भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा है, एक है ज्ञान कांड और दूसरा है कर्म कांड। ज्ञान मनुष्य को सच्चे सदगुरु के सानिध्य से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है और सुंदर वातावरण से प्राप्त होता है। और कर्म कांड धरती पर जितने हैं वो पंडित जी के ब्रेन से निकला है। जितने भी कर्म कांड हैं, चाहे माँ का श्राद्ध कीजिए, चाहे पिता का श्राद्ध कीजिए, चाहे बेटी का विवाह कीजिए, चाहे बेटा का विवाह कीजिए, चाहे जनऊ कीजिए, चाहे मुंडन कीजिए, चाहे घर का नींव डालिए, चाहे बैनाथ जाइए, जगन्नाथ जाइए, चाहे गंगा में नहाइए, चाहे जमुना में नहाइए, चाहे काशी जाइए, चाहे प्रयाग जाइए, चाहे महाविष्णु जग कीजिए, महारुद्र जग कीजिए, इस सारा कर्म कांड। आज के लोग पूरे कर्म कांड में घुले मिले हुए और उसी कर्म कांड से अपना मुक्ति। कर्म तो जरूरी है, कर्म की आवश्यकता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। सुख के लिए कर्म की आवश्यकता है, लेकिन शांति के लिए कर्म नहीं चाहिए। शांति के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। आज मनुष्य सुख के लिए और शांति के लिए दोनों के लिए कर्म पर आ गया है, कर्म पर उतारू है। सुख से जीने के लिए खेती करने की आवश्यकता है, कर्म कीजिए। सुख से जीने के लिए बिजनेस करने की आवश्यकता है, सुख से जीने के लिए नौकरी करने की आवश्यकता है, सुख से जीने के लिए मवेशी पालने की आवश्यकता है, सुख से जीने के लिए क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है, सिनेमा में रहने की आवश्यकता है, नायल पैड हारमोनियम ऑर्गेन बजाने की आवश्यकता है, लेकिन कर्म से शांति नहीं मिल पाएगी आपके जीवन में। और सबसे बड़ी बात है शांति। बड़े बड़े लोग हजार हजार बीघा वाले, 500 बीघा वाले, एसपी डीएसपी कलेक्टर आईजी, हमारे हाजीपुर के कलेक्टर थे डॉक्टर गौतम गोस्वामी, जब शांति नहीं मिली तो बेचारे अंत में पॉइजन खा के मर गए। सुख कहाँ रहा? कितना कितना कष्ट लगा होगा आईएएस करने में, और आदमी क्षण भर में जब शांति नहीं आई तो पॉइजन खा के मर गया। आपके सिवान के कलेक्टर साहब दीपक मिश्रा जी थे, उनका यही हाल हुआ। आपके मैंने देखा अखबार में लखनऊ के एसपी साहब थे सुरेंद्र कुमार दास, और शांति नहीं मिली, पत्नी से झगड़ा हुआ, 6 सेल्फेस के गोली एक बार खा गए और दुनिया से बेचारे चल रहे। आज मनुष्य शांति के लिए जाके, शांति के लिए भी मंदिर में भगवान से पूजा अर्चना करता है कि हे भगवान मेरे जीवन को शांति प्रदान कर दो। कर्म कीजिए जीने के लिए, सुख से जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर रात रात भर ताना बाना चलाकर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहेब बकरी चढ़ाते थे, ईसा मसीह भेड़ी चढ़ाते थे, भगवान कृष्ण गाय चढ़ाते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी और लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांगते थे और सुपच भगत जी सूप डगरा बीनते थे। बिना कर्म किए, और कर्म के लिए भी मनुष्य भगवान से मांग रहा है कि भगवान मुझे धन दे दो, दे दिया धन। इतना दिन से भगवान का पूजा किए, बेटा मिला, बहुत सारी महिला अभी तक निपुत्र है,
बांझ बन के बैठी है ये, अब पूजा करते करते उसका अगरबत्ती बारते बारते चुटकी खिया गया, लेकिन एक पुत्र का मुंह नहीं देखी आज तक। बहुत सारे लोग पूजा करते करते मर गए, लेकिन 10 कट्ठा से 11 कट्ठा नहीं हुआ उनको। बंधुओं, यह आपके प्रारब्ध का भोग है। साहब कबीर कहते हैं, भोग हूं भोग भुक्ति जनी भूल हूं, योग युक्ति तन साध हूं हो, अज्यो यही भांति करहूं मतवलिया, ता मत का चित बांधऊ हो। नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करिहे चाल कुचाली हो, बांधी मारी दंड जब ली है, तब छोटी है सब मत वाली। आपके जीवन में वही होगा जो आपने किया है। कोई इस एक पिता के 5 पुत्र है तो पिता चाहता है कि सब बेटा को धन दौलत माल मवेशी घर द्वार में बराबर करके बांट दूं। लेकिन ऊपर में एक पिता बैठे हैं भगवान, इनके पुत्र में बंटवारा कैसा हुआ है? कहीं बोरे बोरे नमक है, कहीं रोटी पर ना नमक। क्या किसी ने किसी का बेईमानी कर लिया? क्या किसी ने किसी का चोरी करके धन बना लिया? नहीं, वो आपके कर्म का परिणाम है। साहब कबीर ने कहा, अरे अजब जोलाहे चादर बीनी, सूत करम के तानी, सूरत निरति के भरनी दिन्हा, तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। जैसे जोलाहा चादर बिनता है, एक तरफ से तानी किया, दूसरे तरफ से भरनी किया, चादर तैयार हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये जीव का अपना जैसा कर्म है, वो कर्म की तानी है, और जहां इसकी सुरती रही, ध्यान रहा, उसकी भरनी है, देखिए चादर तैयार हो गया। इधर के जीव को औरत वाला चादर मिल गया, और इधर वालों को मर्द वाला चादर मिल गया। अपने कर्म से कोई भगवान नहीं दिया है, आपका कर्म आपको मर्द वाला चादर दिया है, इनका कर्म इनको औरत वाला चादर दिया। किसी को सांप वाला चादर मिला है, किसी को बिच्छा वाला चादर मिला है, किसी को बिल्ली वाला चादर मिला है, किसी को कुत्ता वाला चादर मिला है, किसी को गीदड़ वाला चादर, किसी को अपना कर्मानुसार विशाल हाथी वाला चादर मिला है, और किसी को छोटा सा चीटी वाला चादर मिला है। सब कर्म का परिणाम है। आप अंधे हैं मां के गर्भ से, आप लंगड़े हैं मां के गर्भ से, आप बता हैं मां के गर्भ से, वो आपके कर्म का परिणाम है। आपको टीवी हुआ है, आपको दम्मा हुआ है, आपको कैंसर हुआ है, आपको डायबिटीज हुआ है, आपको एड्स हुआ है, आपको लकवा पकड़ा है, आपको पोलियो पकड़ा है, वो आपके कर्म का परिणाम है। आपकी अज्ञानता और आपकी असावधानी के कारण टीवी आपके जीवन में आया। भगवान क्यों टीवी देगा आपको? क्या जरूरी लगा है भगवान को किसी को टीवी भेजने का, और किसी को दम्मा भेज देने का, और किसी को डायबिटीज भेज देने का, किसी को लकवा भेज देने का, किसी को ब्लड प्रेशर? भगवान बीमारी के दुकान खोला है, भगवान बुखार के दुकान खोला है, और भेजते रहता है सबके यहां। आपका दूल्हा जवानी में मरा है, वो आपके कर्म का परिणाम है। भगवान आपके दूल्हा को क्यों मारेगा? आपका बेटा मरा है तो आपके कर्म का परिणाम है। आपकी भैंस मरी है तो कर्म का परिणाम है। आपकी गाय मरी है तो कर्म का परिणाम। आपका सारा जमीन बिक गया है, वो आपके कर्म का परिणाम।